हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैंने किस तरीके से अपनी वीक इंग्लिश को ये तो नहीं कहूंगी बहुत ज़्यादा अच्छी, बट बेटर वे में मैंने उस चीज़ को इम्प्रूव किया है। वीक से बेटर कैटेगरी में मैं उसे लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि मैंने ग्रामर कहाँ से की। तो ये बुक देखो आप, ये प्लिंथ की बुक है, मैंने इससे ग्रामर पढ़ी थी और ये बुक मैंने 2 से 3 बार रीड की और उसके बाद फिर मैंने इसकी तरफ कभी देखा भी नहीं, मतलब जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं। और ये तो मैंने पढ़ी, लेकिन इसके साथ एक निमिषा बंसल मैम की टेलीग्राम चैनल पर वो उन्होंने शेयर किया था 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बाय निमिषा बंसल मैम करके, वो PDF है। तो फिर मैंने वो रूल्स पढ़े, वो रूल्स तो मुझे और भी अच्छे लगे, मतलब इजी वे में मैम ने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो ग्रामर तो फिर मैंने इन्हीं 2 चीज़ों से क्लियर कर ली थी अपनी। उसके बाद फिर मैंने प्रैक्टिस कहाँ से की। देखो हर चीज प्रैक्टिस के लिए, देखो ये वाली बुक है तो इसमें ना सारी चीजें हैं, क्लोज टेस्ट है, फिलअप्स है, ये सब है, ये है। तो मैंने सीधे इस चीज पे जंप नहीं मारा, पहले मैंने यूट्यूब पर तरह तरह के टीचर से, किसी से क्लोज टेस्ट करने का तरीका, किसी से फिलअप्स, किसी से पैरा जंबल, तो हर टीचर से कुछ ना कुछ, जो भी मुझे लगा इन वाली मैम का मुझे अच्छा समझ आया है, इन वाले सर से मुझे अच्छी चीज कोई समझ आई है, तो हर टीचर से कुछ ना कुछ अच्छे से करके फिर जाके मैंने इस बुक से प्रैक्टिस की। पहले मैंने सारी चीजें क्लियर की, ठीक है, सीधे ये नहीं कि मैं इस बुक से प्रैक्टिस करने बैठ गई, नहीं। क्लोज टेस्ट जब फिल करते हैं, जैसे मैं सिंपल सा वे आपको देती हूँ, जैसे एक क्लोज टेस्ट है, ठीक है, क्लोज टेस्ट का एक सेंटेंस है, तो सबसे पहले जब हम करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसमें वर्ड पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। और ये चीज हमें कैसे पता चलती है, उसको रीड करके, अगर आप इतने एबिलिटी आपके अंदर है और उस चीज को आप कॉम्प्रहेंड कर पा रहे हो तभी तो आपको पता लगेगा, तभी आप उस चीज को कर पाओगे कि इसमें किस तरीके का वर्ड आप फिल कर सकते हो। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए तभी आप ये सब कर पाओगे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ पहले सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो अपने, उसके बाद ही प्रैक्टिस किया करो। और फिर मैंने इसके बाद प्रैक्टिस की थी और ये सब करने के बाद अभी फिलहाल एट प्रेजेंट जो मैं करती हूँ अब वो काफ़ी लिमिटेड ही करती हूँ, मतलब ये नहीं कि बहुत सारा करती हूँ। तो सबसे पहले डेली के 2 एडिटोरियल रीड करना, न्यूज़पेपर से नहीं, यूट्यूब चैनल पर ही, मैम का ही चैनल है और मैंने बहुत बार दिखाया भी हुआ है आप लोगों को, वो है डेली एडिटोरियल करके। उसमें 2 एडिटोरियल होते हैं, एक में मैम रीडिंग कराती है और एक में स्किमिंग कराती है, वोकैबुलरी भी उसी के अंदर इंक्लूड होती है। तो मुझे एक बहुत अच्छा खासा पैकेज लगता है ये, मतलब उसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस ये है आपको पूरा जो भी मटेरियल है वो एकदम आपको सॉर्टेड फॉर्म में मिलता है, आपको बस सीखना है, आपको बस लर्न करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया एडिटोरियल का। और एज अ स्टूडेंट और क्या चाहिए हम लोगों को, मतलब जिस चीज में जितनी कम मेहनत लग सके, जितना हमारा टाइम बच सके, यही तो चाहिए होता है। फिर दूसरा मेरे पास अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है, परफेक्शन क्लास देखती हूँ मैं डेली मुझे देखनी होती है, बस जिस दिन मैम अपलोड नहीं कर पाती मैं पुरानी क्लासेस देख लेती हूँ। और तीसरा जो मैं करती हूँ वो है डेली एक सेक्शनल मॉक देना। हाँ, स्माइली गिर गया। तो डेली एक सेक्शनल मॉक देती हूँ मेन्स का, इंग्लिश का, हमेशा, क्योंकि मेरा ये मानना है कंसिस्टेंसी मतलब टूटनी नहीं चाहिए इंग्लिश की, तो स्पेशली क्योंकि मैं ना वीक कैटेगरी से अपने मैंने इंग्लिश को बेटर कैटेगरी में लेकर आई हूँ। और मुझे पता है अगर इंग्लिश अच्छी ना हो तो फिर बाकी सब्जेक्ट में अगर आप हमारा स्कोर अच्छा भी होता है तो कोई फायदा नहीं होता। और इंग्लिश एक और मुझसे एक मेरी एक फ्रेंड है, उसने कहा था अगर किसी की इंग्लिश अच्छी है ना तो उसे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वांट कितना भी टफ आ जाए, रीजनिंग कितना भी टफ आ जाए, इंग्लिश ऐसा है अगर आपको आती है, अगर आपको पता है किस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है तो आपके मार्क्स कभी नहीं कट सकते। इनफैक्ट इंग्लिश आपको सिलेक्शन दिलवाएगी ही। पहले लोग ऐसा GA के लिए कहते थे लेकिन अभी ऐसा इंग्लिश के लिए हो गया है, ठीक है। और 3 चीजें मैंने आपको बता दी जो मैं करती हूँ, और चौथी चीज ये है डेली क्विज देना, कभी अड्डा की क्विज, कभी PM की क्विज, तो ये देती हूँ। ये कुछ कुछ मेंस की होती है और कुछ कुछ प्री की होती है, तो बेसिकली जो मुझे क्विज मिल जाती है मैं वो दे देती हूँ, मतलब पूरे तरीके से जो इंग्लिश की जो प्रैक्टिस होती है वो मैं करती ही रहती हूँ। और एक चीज और मुझे बोलनी है, देखिए ना तो मैं टीचर हूँ और ना ही कोई मेंटर हूँ, मैं आप लोगों की तरह स्टूडेंट्स हूँ जो एज यूजुअल बैंकिंग एग्जाम देती है, ठीक है। बस ये वो चीजें हैं जिन्हें करने से मुझे इम्प्रूवमेंट मिला है और आप लोगों के साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग भी अगर इस चीज को करो तो क्या पता आप लोगों को भी इम्प्रूवमेंट मिल जाए, क्योंकि मुझे तो यही सब करने से मिला, ठीक है। ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू था इंग्लिश को लेकर कि किस तरीके से मैंने अपनी इंग्लिश इम्प्रूव की। अगर आप देखो तो फिर लोग बहुत कुछ बताते हैं, बताने को तो बहुत कुछ है लेकिन फॉलो करना भी बहुत जरूरी है।
ठीक है, तो फिर मेरा यही मानना है सोर्सेज भले ही कम हो लेकिन अगर आप उन्हें अच्छे से फॉलो करो तो आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ये नहीं कि अगर आप 10 जगह जा रहे हो और 10 जगह फॉलो करने बैठ गए तो इससे कुछ नहीं होने वाला, आपका टाइम वेस्ट ही होगा। तो फिर एज अ स्टूडेंट मुझे जो चीज़ें करने से इम्प्रूवमेंट मिला मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और इंग्लिश देखिए, इंग्लिश बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, इंग्लिश आपको सिलेक्शन दिलाता है, मेरा जहां तक मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर इंग्लिश आपने एक बार अच्छी कर ली ना, क्योंकि देखिए क्वांट बहुत टफ आ सकता है मेंस में, रीजनिंग बहुत टफ आ सकता है, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट आपने स्ट्रांग किया हुआ ना तो आपके लिए इंग्लिश कभी वहां पर टफ नहीं होगा। तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ इंग्लिश पर काम करना स्टार्ट कर दे। और मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते जैसे मैं बोलूँ कि 40 में से 30s में आते, मेरे 20s में ही आते, 25 तक ही आते, 26 तक ही आते, इससे ज़्यादा नहीं आते, ठीक है। और ये भी तब आए हैं जब मैंने ये चीज़ें फॉलो की हैं, ठीक है। तो फिर चलो, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने मॉक के मार्क्स शेयर करूंगी जो मैंने दिए, और अब बस मैं लास्ट टाइम शेयर करूंगी, उसके बाद फिर सीधे एग्जाम से 2 दिन पहले के। बाय बाय।